हम खड़े हैं धार की जिला जेल के बाहर, जहां पर जिले के आला अधिकारी पुलिस अधीक्षक बीरेन सिंह, एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी, सीएसपी धार, अपर कलेक्टर धार, तहसीलदार धार, सभी लोग औचक निरीक्षण के लिए जिला जेल आए हुए हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी जिला जेल आने के आला अधिकारियों को, तो हम आपको बता दें कि तकरीबन 10:30 बजे के करीब जिला जेल से 2 कैदी फरार हुए थे, जिन्हें 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जिला कोतवाली पुलिस और पुलिस के द्वारा दोनों कैदियों को ढूंढा गया और वापस लाया गया है। आपको बता दें कि जेल में काफ़ी कड़ी सुरक्षाएं होती है, उसके बावजूद जिला जेल से कैदी का फरार होना कई सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि जेलर उपाध्याय ने यह बताया है कि जो भी पुलिसकर्मी जेल में थे उनको नोटिस दिया जा चुका है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। बाकी लोग बाहर चले जाइए भैया, जिनको भी नाम। अरे दोनों पकड़ लो, चलते तुम आ जाओ, आ गया। लगभग पौने 11 बजे के आसपास नूर सिंह और अज्जू, नूर सिंह भील है, ये गंदवानी का है, और अज्जू जो है ये भी भील समाज का है, और ये कोतवाली से आर्म्स एक्ट में गया है। नूर सिंह जो है वो 376 में जेल में था, तो सवेरे ये लोग जो है कुछ एक ऐसा सिस्टम बना करके, दो चादर बांध करके उसके ऊपर लोहे की सरिया की हैकड़ी बना करके दीवार में लगाया और वहाँ से जो है ये लोग निकल के भाग गए थे। जेल अधीक्षक धार को जैसे ही सूचना मिली उनने अपने स्टाफ को उनके पीछे लगाया, हम लोगों को भी सूचित किया। जेल का स्टाफ और पुलिस के हमारे सीएसपी दोनों तीनों टीआई आरआई सब लोगों ने मिल करके घेराबंदी करके उनको बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। और कोतवाली में जो है अभी रक्षा से फरार होने का मामला जो है दर्ज कराया जा रहा है, और इसमें आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ठीक ठीक है। ये धारा विभिन्न धाराओं में बंद था। ये आज सुबह लगभग 10:30 के लगभग ये दोनों बंदी जेल स्टाफ को चकमा देके दो चादरों में छड़ बांधकर दीवार में फंसाया इनने, और फरार होने की घटना को अंजाम दिया इनने। इसमें हमारे स्टाफ हवलदार के रूप में सीताराम पटेल और तत्कालीन वहाँ पे पॉइंट पे ड्यूटी पर तैनात प्रहरी कांस्टेबल मुकेश सोलंकी की लापरवाही पाई जाती है, इनको तत्काल प्रभाव से हम निलंबित करते हैं, और अभी इनके खिलाफ कोतवाली थाना में कायमी फरारी के संबंध में कायमी कराई जा रही है। साथ ही हमने अपने महानिदेशक जेल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कर दी है। नाम शेष वैधानिक कार्रवाई उपाध्याय साहब, जैसे कि कितने घंटे लगे इनको पकड़ने में और पुलिस का क्या योगदान रहा? लगभग 1 घंटे का घटनाक्रम रहा ये 10:30 के लगभग।